सरकारी बिजली कंपनियों में भर्ती निकाली लेकिन छः महीने से इनको यहाँ पे अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली दोस्तों आज के डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा जो विभिन्न पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई थी हालांकि कुछ के एग्जाम यहाँ पे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा ले लिए गए थे लेकिन अभी तक यहाँ पे उनको पोस्टिंग ना मिलने का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आज के इस वीडियोज़ में रहेगा तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सरकारी बिजली कंपनियों में भर्ती निकाली परंतु अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली अगर बात करें इसके अंदर लगभग यहाँ पे दस महीने यहाँ पे गुजर चुके हैं छः महीने से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग का अभी किसी प्रकार का डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें संज्ञान में नहीं लिया गया अगर बात करें इसी के अंदर वैकेंसीज़ की तो इसमें ऑफिसर रैंक की जो वैकेंसी निकाली गई थी ऑफिसर रैंक की जो वो आपकी निकाली गई थी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा साथ ही इसके अंदर मिनिस्ट्रियल यानी कि मंत्रालय जो मंत्रालय के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी जिसे मिनिस्ट्रियल पोस्ट कहते हैं तो वो आपकी आप इसमें देख सकते हैं मिनिस्ट्रेय ये आपकी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा निकाली गई थी तो दो प्रकार से वैकेंसी निकाली गई थी आपने यहाँ पे देखा भी होगा इसमें जिसमें जूनियर इंजीनियर उसके बाद में आई असिस्टेंट इंजीनियर और साथ ही इसके बाद में नॉन जो टेक्निकल थी जिसमें अपने इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट था उसके बाद में एल था स्टेनोग्राफर था ये सभी मिनिस्ट्रियल पोस्ट थी एल ग्रुप में ठीक है उसके बाद में इसमें स्टेनो इस और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो उसके रिजल्ट तो हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा जारी कर दिए गए थे लेकिन अगर बात करें उसके मार्क्स की साथ ही इसमें अपन बात करें उसके मार्क्स को लेके साथ ही उसकी कट ऑफ को लेके तो इस पर यहाँ पे इसके द्वारा जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा निकाली गई थी तो इसमें ना तो कट ऑफ डाली गई ना ही उसके मार्क्स यहाँ पे अपलोड यहाँ पे मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से किए गए हालांकि ये सभी एग्जाम जो हैं राजस्थान ऊर्जा विभाग में ऑनलाइन माध्यम से आई संस्था के द्वारा लिए गए थे उसके बाद बात करें तो इसके लिए ज्ञापन की बात करें तो भवन सिंह जो भाटी हैं हाल ही में जो मिनिस्टर हैं एनर्जी मिनिस्टर तो उनको भी इसके ज्ञापन यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा दे दिए गए हैं साथ ही अगर भर्तियों की बात करें तो स्माइक जो सहायक कार्मिक थे असिस्टेंट जो एम्प्लॉयर्स थे उसके लिए आपके ग्यारह पद निकाले गए थे आप इन्हें देखा ही होगा उसके बाद में बात करें जो कनिष्ठ विधि अधिकारी थे जिसे अपन जूनियर लीगल ऑफिसर कहते हैं तो इसके पदों की बात करें तो इसमें टोटल तेरह पद निकाले गए थे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन दोनों के ही सत्ताईस सितंबर को एग्जामिनेशन ऊर्जा विभाग के द्वारा ले लिए गए थे सत्ताईस सेप्टंबर को इसके एग्जाम हो गए थे तो उसके बाद में बात करें अपन स्टेनो की थोड़ी जानकारी करें तो स्टेनो के अगर बात करें तो स्टेनो के टोटल 38 पद यहाँ पे निकाले गए थे और 38 पदों का परिणाम जो है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया था परंतु द्वितीय चरण में जो इसका सेकंड चरण जो था जिसमें इनके टाइपिंग टेस्ट या फिर जो भी फर्दर जो एग्जामिनेशन होने थे द्वितीय चरण में वो परीक्षा अभी तक यहाँ पर इसके द्वारा ऊर्जा विभाग के द्वारा नहीं करवाई गई तो आप देख सकते हैं स्टेनो का रिजल्ट 48 पदों पर निकाल दिया गया था लेकिन द्वितीय चरण जो है उसकी परीक्षा का अभी कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई साथ ही बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो कि जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इसके अंदर टोटल 313 पद पर यह वैकेंसी ऊर्जा विभाग के द्वारा निकाली गई थी और इससे एग्जामिनेशन की बात करें तो 18 और 21 सितंबर को इसकी एग्जामिनेशन करवाए गए थे लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की रिजल्ट जो है अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किए गए तो आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं किए गए हैं मैं बात कर रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट की एग्जामिनेशन तो इसके करवा लिए गए थे नेक्स्ट बात करें कॉमर्शियल असिस्टेंट की कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड यहाँ पे जो था सेकंड ग्रेड का तो इसमें टोटल 920 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी हालांकि इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो 8 नवंबर को इसका एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया गया था ऑनलाइन माध्यम से और इसके परिणाम की बात करें तो इसके रिजल्ट जो हैं हाल ही में जारी नहीं किए गए हैं तो आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट भी यहाँ पर पे पेंडिंग यहाँ पर पे हैं जो कि कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकेंड के रूप में निकाली गई थी काफ़ी अच्छी भर्ती थी नौ पदों पर एग्जामिनेशन लिया गया था उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हाल ही में जो एग्जामिनेशन आपने देखा जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो था जई इलेक्ट्रिकल के लिए जो एग्जामिनेशन था जो कि पाँच पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई थी परीक्षा पिछले सप्ताह करवा ली गई थी परंतु उसके रिजल्ट अभी तक यहाँ पर घोषित नहीं किए तो आप देख सकते हैं जय के रिज़ल्ट जो है इलेक्ट्रिकल के लिए करवाए गए थे पाँच पदों पर उसके परिणाम भी अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किए गए हालाँकि पिछले पिछले सप्ताह ही इसका एग्जामिनेशन करवाया गया था साथ में नेक्स्ट बात करते हैं आई की जो आपका इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है तो उसके 45 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी और 45 पदों में इसके परिणाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं लेकिन इसी का सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण में अपन अपने जो एग्जामिनेशन थे उसके टाइपिंग टेस्ट का अभी कोई शेड्यूल यहाँ पे हाल ही में नहीं डाला गया नहीं डाला गया हालाँकि टाइपिंग सॉरी टाइपिंग टेस्ट इसमें जनवरी में डाल दिया गया है इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका सेकेंड चरण का तो इसके टाइपिंग टेस्ट अब यहाँ पे जनवरी महीने में होंगे हालांकि हालाँकि फरवरी तक पोस्टिंग यहाँ पे राजस्थान ऊर्जा विभाग के द्वारा दे दी जाएगी तो आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में सरकारी जो बिजली कंपनियाँ हैं जिसमें पांच कंपनियों में वैकेंसी निकाली गई थी विभिन्न विभिन्न पदों पे, तो हाल ही में किसी के एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकाल दिए गए हैं और किसी के एग्जामिनेशन रिजल्ट अभी तक नहीं निकाले गए हैं तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है बी एर्थ्यू का वो यही है जिनके एग्जामिनेशन हो गए तो फर्दर जो भी स्टेज इनके बच्चे हैं वो कंप्लीट करवाए जाए या फिर फाइनली इनको पोस्टिंग यहाँ पे दे दी जाए तो ये अपने पास में आज का मुद्दा था जो कि मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश की आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया कर करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएँ थैंक यू धन्यवाद हालाँकि इसका सर uh, रेफरेंस का तो मैं भूल ही गया तो रेफरेंस अगर आप देखना चाहें तो आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने पे अपलोड uh, कर दिए आप इस न्यूज़पेपर को रेफरेंस बना के देख सकते हैं uh, राजस्थान का के अंदर जो दैनिक भास्कर आता है उसका रेफरेंस कोड है और जो कि आज का जयपुर पब्लिकेशन से मैंने लिया है न्यूज़ तो आप देख सकते हैं आपका ऑफिशियली uh, आपको आपके सामने मैंने रेफरेंस के माध्यम से इसको डिस्कस किया इसमें आप देखेंगे तो सभी इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको इस वीडियोज में दे दी है थैंक यू धन्यवाद